सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग और पूरी स्टिचिंग सीखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल हमने कटिंग करनी है, इसमें कोई डिजाइन नहीं बनाना है कुर्ती में, और सिंपल ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हर कमीज की स्टिचिंग की जाती है, सेम वैसे ही इसकी स्टिचिंग भी करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने स्लीवलेस कुर्ती एक डाली थी जिसकी जो हमने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें काफी कमेंट आए हुए हैं हमारे पास कि हमें पूरी स्टिचिंग बताई जाए, तो इसलिए मैं आपके लिए फुल स्टिचिंग लेकर के आया हूँ, फुल कटिंग लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं कटिंग के लिए। यहाँ पे मैंने नाप नोट किया हुआ है, लेंथ रखनी है हमें 44, छाती का नाप होगा हमारा 38, स्लीवलेस कुर्ती में 1 इंच लूजिंग दी जाती है, 39 रखेंगे साइज, और जो हाफ हिस्सा आएगा फ्रंट का जैसे 1.25 इंच आएगा। वेस्ट जो होगी हमारी 32 होगी, 3 इंच प्लस करेंगे, ये प्लस करने के बाद 35 आएगा, हाफ हिस्सा आएगा हमारा 17.5 इंच 17.5। हिप होगी 38, 2 इंच प्लस करके यहाँ पे 40 इंच हो जाएगा, और हाफ हिस्सा आएगा हमारा 20। फ्रंट नेक होगा हमारा 7, बैक नेक होगा हमारा 5, और ब्रॉड रखेंगे 8 इंच। इस तरीके का नेक लाइन बनेगी हमारी राउंड में, हल्का सा वी कट, और ये स्लीवलेस कुर्ती हम कटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसे कटिंग करने के लिए हमने नॉर्मल तरीके से फ्रंट बैक के लिए कपड़ा बिछा लिया है, जैसे सभी कुर्तियों का हम बिछाते हैं ऐसे ही हमने यहाँ पे ये बिछा लिया है। नीचे की साइड से बैक साइड आ जाएगी, ऊपर से हमारा फ्रंट आ जाएगा। हमें ध्यान बस फोल्ड करते हुए ये रखना होता है, जैसे हमारा हिप का नाप है 20 इंच, तो आगे की साइड तकरीबन हमारा 2 इंच से 2.5 इंच कपड़ा बचा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे 2 इंच है तो काफी है। तो कटिंग में दोस्तों सबसे पहले हम नीचे की साइड एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से फोल्ड के लिए, तकरीबन 2 इंच का ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे, 44 लेंथ है, तो ये हमारी कपड़ा थोड़ा कम है तो नीचे का निशान हम कम कर देंगे, यहां से रखेंगे 44, ये हमारी पूरी लेंथ आ जाएगी यहां पे। इसके बाद जो हम आर्महोल का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे यहां पे 6.5 इंच, कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे, और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पे। इन निशानों को आगे तक हम बढ़ा लेंगे। यहीं से हम साइज निकालेंगे, ऊपर से हमारा 1.25 इंच, तो हम यहां पे 10 इंच से थोड़ा कम लेंगे, और कमर है हमारी 17.5 इंच तो यहाँ पे 1.75 इंच ले लेंगे, हिप है हमारी 20 इंच तो 10 इंच ले लेंगे। इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे मैच कर देते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमने जैसे यहाँ पे ये सीधा निशान लगाया है, ये सीधा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हल्की सी हमारी गोलाई आएगी, और ये स्लीवलेस कुर्ती में जरूरी होती है कम से कम इतनी, ये 1/4 इंच का यहाँ पे इस तरीके से गोलाई आएगी, क्योंकि हमने जो लूजिंग ली है ऊपर 1 इंच की ली है, तो इसमें यहां से इस पॉइंट से तकरीबन आर्महोल का निशान जो हमारा होता है उससे यहाँ पे 3 से 3.5 इंच के ऊपर हल्की सी इस तरीके से हमारी गोलाई आनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है इस तरीके से। अब ये निशान हमारे हो गए हैं, अब हम नीचे का निशान लगा लेते हैं चौक का, ये सीधा रखेंगे बिल्कुल। इस साइड में हल्का मार्जिन ज्यादा रखते हुए आगे तक कंप्लीट कर लेते हैं निशान। अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे और आर्महोल पे, ये चीज मेन होती है, यही आपको सीखना जरूरी होती है। यहाँ पे जो शोल्डर हम कटिंग करेंगे वो कटिंग करेंगे 7.25 इंच, मतलब 14.5 इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, जो कि 14 इंच तक हमारे तैयार आ जाएंगे। इस पॉइंट पे भी हम 7.25 पे निशान लगाएंगे ऐसे,
और यहां से बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेंगे ऐसे। इसमें आपने अंदर की साइड कोई निशान नहीं लगाना होता, जैसे हम अंदर की साइड पौना इंच लेते हैं तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम अंदर की साइड से ऐसे गोलाई डालते हैं तो इसमें यहाँ पे स्किन नजर आती है, इसलिए आपने यहाँ पे अंदर की साइड कोई निशान नहीं लगाना होता स्लीवलेस कुर्ती में। और यहाँ पे हमें पड़ी हुई गोलाई डालनी होती है इस तरीके की। एक होती है खड़ी गोलाई, खड़ी गोलाई कैसे होती है इस तरीके से, ये गलत होती है। स्लीवलेस कुर्ती में पड़ी गोलाई डालेंगे इस प्रकार, और यहां से लेंगे इस पॉइंट से तकरीबन 1 से 1.25 इंच, और ये बैक साइड का निशान भी साथ ही यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हमने जैसे गला अप्रोड बनाना है 8 इंच, तो 4 इंच पे निशान लगाते हैं और यहां से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं काट के कैसे कटिंग होगा। यहां से सीधा, यहां से 1/2 इंच डाउन, और यहां से हम बैक वाले निशान पे कटिंग करेंगे पहले, जो बैक साइड वाला निशान है। अब हमें इसको प्रेस से अच्छे से सेट करना है यहाँ पे, और बैक साइड भी ऊपर से सेट करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होनी चाहिए, बैक साइड बड़ी रहनी चाहिए। ये हमारी 1/2 इंच बैक साइड बढ़ा के हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट वाले निशान पे, जो हमारा बिल्कुल सही निशान है, उसके ऊपर कटिंग करेंगे। तरीके से, और बाकी कटिंग हमारी नॉर्मल रहती है। यहाँ पे हम बाहर वाले निशान पे कटिंग कर लेते हैं। नीचे से सीधी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरी कटिंग आपको करके दिखाई है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग करते हो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हमने कटिंग तो जैसे सीख ली है, अब सीखनी है हमें स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम नेकलाइन सिंपल वाली कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉड लेंथ रखेंगे हम 8 इंच, तो 4 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच, तो हम 7.5 इंच पे निशान लगाते हैं। और यहाँ पे हल्का सा वी कट डालना है हमें, हल्का, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना है। और यहीं से हम राउंड शेप लेकर के इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। बाहर की साइड कटिंग कर लेंगे। तो यहां पे ये नेक लाइन हमने कर ली है कटिंग, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहां पे भी हमें एक निशान लगाना है 4 इंच पे ऐसे, और हमने जो डीप रखना है गला, हम इस तरीके से देखेंगे तो 5 इंच यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हम इसमें निशान लगा लेंगे। ये निशान एक पैर कम लगाते हैं क्योंकि बैक साइड में हमें पट्टी पलटनी है, और यहाँ पे भी हम गोलाई में कटिंग कर लेंगे। अगर आपका नेक लाइन बड़ी छोटी है तो आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो नेक लाइन हमारी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। जब हम पट्टी लगाएंगे तो बैक साइड भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट आएगी। तो दोस्तों नेक लाइन जो ये मैंने कटिंग की है, इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं स्टिचिंग। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, हमने नेक लाइन पेस्ट कर ली है और हम आ गए हैं स्टिचिंग के लिए मशीन के ऊपर। और यहाँ पे जो हमने बाहर वाला कपड़ा है ये हमने
फोल्ड कर लिया है ताकि हमारी नीचे की साइड प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। अब हम ये नेकलाइन सबसे पहले पलट लेते हैं, तो इसको हम ओपन करेंगे और सीधी साइड में रखेंगे गले को, ऐसे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। जब हमें ये नेकलाइन अंदर की साइड पलटनी होती है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, बुकरम के बिल्कुल साथ में सिलाई लगानी है, ना तो बुकरम से गैप रखना होता है और ना बुकरम के ऊपर चढ़ानी होती है। अब हम यहाँ पे क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ पे वी कट में भी कट करेंगे और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे सिलाई के नजदीक तक हमें कट लगाना है, इस तरीके से सिलाई के नजदीक तक, और गोलाई में इस तरीके से हल्का हल्का कट लगाएंगे। अब हम नेकलाइन को पलटते हुए यहाँ पे सीधा करेंगे ऐसे, तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये नेकलाइन पलटते हुए प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। अगर आपने कभी भी फिनिशिंग से कोई भी काम करना होता है तो नेकलाइन पे सबसे पहले आप प्रेस जरूर करें, क्योंकि प्रेस से क्या होता है पूरी फिनिशिंग आ जाती है और उसे हमें पता लग जाता है कि इसमें कहीं कमी तो नहीं है, इसलिए नेकलाइन पे पहली प्रेस जरूर होनी चाहिए। अब हमें बैक साइड लेनी है और बैक साइड में भी यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे ओरेल वाली, ये हमने ओरेल की पट्टी काट ली है, तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी होनी चाहिए। इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार मेरे सामने भी ये दिक्कत आ चुकी है, ये पूछते हैं सभी कि ये ओरेल वाली पट्टी यहाँ पे सेट नहीं बैठती। यहाँ पे देखो एक साइड ये आडा होता है कपड़ा, एक सीधा होता है, और बीच में से जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारी ओरेल की पट्टी आ जाती है, इसी को ओरेल पट्टी कहा जाता है, जो कि मैंने भी काटी हुई है। ये इस तरीके से बढ़ जाती है ऐसे, ताकि ये गोलाई में तभी सेट बैठेगी अगर हम इसकी प्रॉपर ओरेल बनाएंगे, अगर रेब में नहीं कटिंग करेंगे तो ये गोलाई में अच्छे से सही नहीं बैठेगी, ये ध्यान रखना है। और अब आ जाती है बात इसको अटैच करने की, कई बार क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं इसको, इस तरीके से ये ऐसे ले लेंगे और इसको अटैच कर देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने नेकलाइन यहाँ पे ऐसे ही रखनी है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो गोलाई में, हमें यहाँ पे हल्का हल्का मशीन चलानी है ऐसे, और ऊपर की पट्टी हल्की हल्की खींचनी होती है और ऐसे सिलाई लगानी है। मैंने अभी इसको सीधा नहीं किया है, नहीं तो क्या करते हैं ऐसे इसको खींचेंगे और अटैच कर देंगे पट्टी, तो पट्टी फिर बिल्कुल ठीक नहीं बैठती। यहाँ पे इस तरीके से अब हमें इसमें फ्रंट अटैच करना है। ये पट्टी हमने ओरेल की लगा ली है, इसको अभी तैयार नहीं करना है, पहले इसमें हम फ्रंट अटैच करते हैं। यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको मिला लेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होता है, कई बार यहाँ पे
ये शोल्डर हमारे बड़े छोटे हो जाते हैं, ये कंधी बड़ी छोटी हो जाएगी, तो कभी भी ये बड़ी छोटी ना हो ये भी आपने ध्यान रखना है। हल्की यहां से ये नोक कट करेंगे, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं कटिंग करनी है, सिर्फ हल्की सी ऊपर फ्रंट फ्रंट। देखो अब हमने यहां पे ये फ्रंट और बैक दोनों आपस में ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें जाके बैक साइड तैयार करनी है, तो बैक साइड कैसे तैयार करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और यहां पे ये जो मार्जिन है ये साइड ही रहेगा हमारा, और यहां पे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी इस साइड में आनी चाहिए, और यहाँ पे बराबर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे सीधा फिनिशिंग से ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हम ओरे वाली पट्टी के ऊपर लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना होता है। यहाँ पे पक्का करेंगे और धागे की कटिंग कर देंगे। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कटिंग करना है, तो यहाँ पे इसको भी बड़े ही ध्यान से कटिंग करना होता है। कई बार क्या होता है नीचे का कपड़ा कट जाता है, हम इस तरीके से ये ऊपर का ही कपड़ा ये पकड़ते हैं और यहाँ पे इसी के साथ में सिलाई के साथ साथ में कैंची चलाते हैं, तो सिर्फ हमारा यही कपड़ा कटेगा जो कि एक्स्ट्रा है। अब हम यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा पट्टी नजर आ रही है, इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे। अब दोस्तों हम इसको इस साइड में फोल्ड कर देंगे कच्ची सिलाई। ये कच्ची सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम तुरपाई कर देंगे तो फिर इसको खोल देंगे। ये पट्टी ओरे वाली अच्छे से अपने आप ही बैठती चली जाएगी। बैक साइड भी हमने यहाँ पे कर ली है तैयार नेक लाइन की। अब देखोगे आप यहाँ पे बिल्कुल हमने फिनिशिंग के साथ में इसको बिठा लिया है, यहाँ पे ये अच्छे से अपने आप सेट हो जाएगी, और जब इस पे तुरपाई हो जाएगी, तुरपाई होने के बाद पूरी फ्रंट और बैक नेक लाइन की, फिर ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे नेक लाइन बन करके आएगी, मतलब फिनिशिंग के साथ में। तो नेक लाइन हमने कर ली है तैयार। अब हम यहाँ पे आर्मोल की पट्टी लगाना सीखते हैं, जो यहाँ पे आर्मोल है इसको कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों आर्मोल तैयार करने के लिए यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरीके से पट्टी कटिंग की है और रिब की, और यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, एक पैर की ही सिलाई से अटैच करेंगे। देखो यहाँ पे हम इतने पोर्शन पे आने के बाद हल्का सा नीचे का कपड़ा टाइट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नमी नहीं आनी चाहिए। सिर्फ शोल्डर का तकरीबन 1.5 इंच का इधर का पोर्शन और 1.5 से 2 इंच का इस साइड का पोर्शन, बाकी हमने खींचना नहीं होता है, नॉर्मल सिलाई लगानी होती है।
अब हमें यहाँ पे भी इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ पे ये हमने आरमोल की और रेप की पट्टी लगा ली है और यहाँ पे पूरी फिनिशिंग रहेगी, कोई झोल वगैरह कहीं पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये पट्टी भी हमने इस तरीके से पकड़नी है और इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, कई बार ये कपड़ा कट जाता है नीचे का, वो क्यों कटता है, हम यहाँ पे जो ये पट्टी पकड़ रहे हैं, अब मेरा इसी पे ध्यान है यहाँ पे प्रॉपर, और इसको हम पूरा देखो कैंची मेरी पूरी गोलाई में यहाँ पे घूम रही है ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, जैसे जैसे आप काम करते हो रेगुलर, तो ये खुद पे खुद आ जाती हैं, ये शुरुआत में नहीं होती, धीरे धीरे आप दो चार पीस बनाओगे तो आपको जरूर, मतलब जरूर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक दो पीस में जरूर आएगी, लेकिन चार पांच पीस बनाने के बाद फिर आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये जो हमने पट्टी लगाई है, अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा हमारा ऐसे। यहाँ पे इसमें भी बाद में तुरपाई होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे सभी जगह ज्यादातर तुरपाई चलती है। ये पट्टी भी दोस्तों हमने यहाँ पे अटैच कर ली है, एक साइड का आर्मोल हमारा तैयार हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरा आर्मोल भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों दोनों आर्मोल पे हमने यहाँ पे ये पट्टी अपनी लगा ली है ओरेप वाली, और ये मैं आपको सीधी साइड इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारा कितना गैप रहता है फ्रंट और बैक में। यहाँ पे ये देखोगे इतना तो हमारा ये दब जाएगा, सिर्फ हमारा इतना सा गैप रहेगा ये, और पूरी फिनिशिंग आएगी, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कोई झोल वगैरह है। तो अब साइड जोड़ने के लिए हम इसको पलट लेते हैं, उल्टी साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों निशान लगाने का ये तरीका होता है, यहाँ पे जैसे हमें 1.25 इंच रखना है तो यहाँ पे 10 इंच से एक पॉइंट कम लिया है हमने, और यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ऐसे ही हम इस साइड में 1.25 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे, सेंटर पॉइंट का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कमर है हमारी 17.5 तो 1.75 इंच लेंगे, एक निशान तो यहीं पे आएगा, दूसरा निशान हमारा इस पॉइंट पे आएगा ऐसे। हिप है हमारी 20 इंच, तो यहाँ पे भी हमें सेंटर पॉइंट का जरूर ध्यान रखना होता है, 10 इंच पे मार्क करेंगे, फिर इस साइड में 20 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, और इस साइड के निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, और जो मैंने बताया था यहाँ पे जो निशान आएगा हमारा हल्की सी गोलाई वाला आएगा ऐसे। ये जैसे जैसे काम करते रहते हैं तो खुद पे खुद आइडिया हो जाता है, निशान लगाने की भी कई बार जरूरत नहीं होती गोलाई में, ये मशीन आपकी और हाथ उसी हिसाब से चलेंगे जैसे आप चाहते हो सिलाई करना। यहाँ पे पक्का कर लिया है, यहाँ पे पक्का जरूरी होता है। अब हम सिलाई करेंगे साइड की। ये हल्की सी हमने गोलाई दी है, अगर हम सीधा करते तो यहाँ पे हमारी सिलाई ऐसे आती। यहीं से हम इस सिलाई के साथ में एक सिलाई लगाएंगे।
हमने एक पैर का गैप रखते हुए लगाई है ताकि लूज टाइट करना हो तो हमें यहां से कर सकते हैं लूज। और इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहां से इनको ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, ताकि ये नजर ना आए। कई बार क्या होता है ये यहाँ पे बाहर की साइड नजर आते रहते हैं। इसको ऐसे दबा देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे हल्का सा मार्जिन कटिंग कर देना है और इसमें लगा लेने हैं कट इस तरीके से। एक साइड हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों दोनों साइड हमने यहाँ पे दी हैं जोड़ जैसे आप देख रहे हो। और अब हम नीचे का आपको चाक और घेरा भी फोल्ड करना बताते हैं कैसे हम चाक और घेरा फोल्ड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पूरा फ्रंट और बैक ऐसे बिछा लिए, पूरी कमीज ऐसे बिछा ली है। तो अब हम इसको ऐसे लेकर के आएंगे इस तरीके से, और यहां पे ध्यान रखेंगे कोई भी सलवट ना हो ऊपर नीचे किसी भी पीस में। और यहां पे हल्का फुल्का फर्क आ जाता है तो इसको हम इस तरीके से यहां पे लगाते हैं कट, तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी यहां पे कट लगाएंगे ऐसे। इससे क्या होगा ये हल्का फुल्का जैसे ऊपर नीचे आ जाता है पीस, तो वो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अब हमें एक एक करके सबसे पहले घेरा फोल्ड करना है इसी कट के ऊपर। यहाँ पे इस कुर्ती में मार्जिन थोड़ा कम था तो हमने कम ही लिया है। पे आपने बराबर ऐसे फोल्ड करना है और इस तरीके से बराबर लेते हुए नीचे का कपड़ा हल्का सा हम टाइट कर लेते हैं ऐसे। सेम इसी तरीके से बैक साइड वाला भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों घेरे दोस्तों हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं। फिर से हम इस कमीज को ऐसे ही बिछाएंगे। इसी तरीके से हमने कमीज फिर से बिछाई है और यहाँ पे हमें देखना होता है हमारा फ्रंट बैक का घेर बड़ा छोटा तो नहीं है, जैसे ऊपर नीचे निकल जाते हैं। इसको ऐसे फोल्ड करना है, अब ये बिल्कुल बराबर है ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे इकट्ठे निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी जितना हमें चाक फोल्ड करना होता है ऐसे हमने बराबर निशान लगा लिए हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, घेरा हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरीके से अगर हम निशान लगाते हैं और इस तरीके से स्टिचिंग करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये ऐसे फोल्ड करना है और इसी निशान के ऊपर, यहाँ पे जो निशान है इसी निशान के ऊपर यहाँ पे फोल्ड करते जाना है। तकरीबन 7 से 8 इंच की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ना है इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा ये चीज हम थोड़ा सा झुक जाएंगे ऐसे, ताकि इस चाप को हम सीधा बना पाए, यहाँ पे कोई फर्क ना आए। इसको ऐसे हाथ मारते हुए इस तरीके से हाथ मारेंगे
और बिल्कुल ये सीधा आना चाहिए, कहीं पे फर्क नहीं आना चाहिए। अब हम दूसरी साइड यहाँ पे जो हमने साइड की ये सिलाई लगाई है तकरीबन इसमें आधा इंच का आगे तक सिलाई लगाते हुए दूसरा चौक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे भी तकरीबन 6 से 7 इंच की सिलाई लगाएंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। अब हम नीचे इस पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ पे जितना हमने फोल्ड करना है और इस निशान का ध्यान रखते हुए कितना फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करते हुए फिर से लास्ट वाली ये कच्ची की सिलाई लगाएंगे। ये दोस्तों कच्ची सिलाई है, ये जब तुरपाई हो जाती है तो फिर इसको खोल देते हैं तो ऐसे हमने ये एक साइड के चाक आपको कंप्लीट करके दिखाए हैं। ये बिल्कुल बराबर रहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा और फिनिशिंग पूरी रहेगी इसमें। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड के चाक भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं आपको पूरी कमीज दिखाऊंगा काउंटर के ऊपर जो कटिंग टेबल है उसके ऊपर दिखाऊंगा कि कितनी फिनिशिंग से हमने यहाँ पे ये पूरी कमीज तैयार की है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी कमीज की आपको स्टिचिंग करके दिखाई है। मैं एक दो चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफी काम आने वाली है। यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जिस तरीके से हमने स्टिचिंग की है कि हमारा ना तो घेर बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा और ना ही चौक में कोई फर्क आएगा, बिल्कुल दोनों बराबर होंगे दोनों साइड से, कहीं से भी कोई फर्क नहीं आएगा। और आर्मोल की जैसे हमने यहाँ पे कटिंग की थी, आपको करके दिखाई है आर्मोल की कटिंग यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा स्किन हमारी यहाँ पे ज्यादा नजर नहीं आती, बिल्कुल कवर्ड रहता है यहाँ पे ये आर्मोल, ये हमने इस तरीके से कटिंग किया है। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि गोलाई यहाँ पे ज्यादा ऐसे कटिंग कर देते हैं तो यहाँ से वो स्किन ज्यादा नजर आती है जो कि अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैंने सेव हल्की सी गोलाई वाली दी है, ये जरूरी होती है देनी। और इसमें मेन चीज क्या होती है स्लीवलेस में ओरेप की पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए और स्टिच होनी चाहिए ताकि बिल्कुल भी फर्क ना आए। तो आप देख रहे होंगे दोनों साइड के आर्मोल यहाँ पे हमारे बिल्कुल इक्वल नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पट्टी एक हल्की रेव वाली ले लेते हैं और एक ज्यादा रेव वाली ले लेते हैं तब भी आर्मोल में हमारा फर्क आ जाएगा, बड़ा छोटे हो जाएंगे, इसलिए इक्वल ही पट्टी कटिंग करनी होती है। और स्टिचिंग का, नेकलाइन का, फिनिशिंग का मैंने हर तरीके से ध्यान रखते हुए आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।